Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about groundnut, vegetable oil, groundnut. बच्चों आज हम वनस्पति तेल की श्रृंखला में मूंगफली के बारे में स्टडी करेंगे. इसके बाद हम कोकोनट के बारे में स्टडी करेंगे. आगे सबसे पहले हम ग्राउंडनट के बारे में स्टडी करेंगे. बच्चों ग्राउंडनट के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके ग्राउंडनट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, किसको पॉपुलरली पीनट, मंकी नट, गोबर नट, मंजिला नट, अर्थ नट, वंडर लेग्यूम और मूंगफली के नाम से जानते हैं. पीनट नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि पी मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट और नट मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू. इसकी जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जितने भी नट्स होते हैं इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है बहुत अधिक होती है. इसका बॉटनिकल नेम क्या है, अरेकिस हाइपोजिया. अरेकिस मीन्स एक्यूम, हाइपोजिया मीन्स बिलो द ग्राउंड. जो लेग्यूम जमीन के अंदर लगते हैं, सोइल में लगते हैं, उन्हें बोलते हैं अरेकिस हाइपोजिया. साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फैमिली फेबेसी, सब फैमिली पेपिलियोनिडी, कॉमन नेम ग्राउंडनट, साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया. ओरिजिन इसका कहाँ है, नॉर्थ अर्जेंटीना, साउथ बोलीविया, ब्राज़ील और अमेरिका, ये सब इसके क्या हैं ओरिजिन. सीजनल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी पूरी पिछले वीडियो में, क्रॉप डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, इंडियन सिनेरियो भी बताया था आपको, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, लीव्स, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका पूरा डायग्राम के बारे में पूरा बताया था. न्यूट्रिशियस क्वालिटीज जो इसकी हैं ग्राउंडनट की, उसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर ऑयल कंटेंट 44 से 55% तक होता है, प्रोटीन 22 से 32% तक होता है, सोलेबल शुगर 8 से 14% तक होती है और विटामिन्स बी और ई से रिच होता है, कैल्शियम और आयरन भी इसके अंदर पाए जाते हैं. इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर स्ट्रक्चर, एंड्रूशियम, गाइनेशियम के बारे में मैंने आपको ग्राउंडनट सीड्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया था. अब हम आते हैं इसके बाद कि इसके लिए इकोलॉजिकली पारिस्थितिकी कैसी चाहिए, इसके लिए कैसी परिस्थिति में, किस क्लाइमेट में, किस सोइल में ये अच्छे से उग सकता है. सीजन एंड क्लाइमेट, जलवायु, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन आर हाईली कंजेशनल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन. टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्राउंडनट. तापमान, लाइट की, प्रकाश की इंटेंसिटी, बारिश, रेनफॉल कितनी हो रही है और कितनी इसके अंदर आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, ये सब इसकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 25 to 35 डिग्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड पॉट फॉर्मेशन. 25 से 35 डिग्री तापमान जो होता है इसके जर्मिनेशन के लिए, फूलों के लिए, उत्पत्ति के लिए, फ्लावरिंग के लिए, उसके जो पॉट बनते हैं, मूँगफली बनती है, उसके फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है. सैंडी लोम सोइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द क्रॉप. सैंडी लोम मृदा जो होती है इसके लिए बेस्ट होती है. सोइंग टाइम ऑफ खरीफ ग्राउंडनट इज जून टू जुलाई, सब्जेक्ट टू ऑनसेट ऑफ मानसून एंड रबी ग्राउंडनट इज नवंबर एज वेल एज समर ग्राउंडनट फरवरी टू मार्च. मूंगफली मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पादप है, किंतु शीतोष्ण प्रदेशों में भी इसकी कृषि की जाती है. सामान्यतः
50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा वाले स्थान इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। कम तापमान, अधिक वर्षा वे पाला मूंगफली पादप की वृद्धि पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। शुष्क मौसम फसल परिपक्व के समय धनात्मक प्रभाव डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यानी कि अगर कम तापमान होगा, अधिक वर्षा होगी, पाला होगा, तो ये इसकी वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं और इसकी वृद्धि प्रॉपर नहीं हो पाती है। अगर सूखा मौसम होगा, फसल परिपक्व टाइम जिस समय फसल मैच्योर हो रही है उस समय अगर सूखा मौसम होगा तो इसका इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सोइल में बालुई दोमट व हल्की दोमट मृदा जिसकी जल निकास क्षमता अच्छी हो मूंगफली पादप की वृद्धि के लिए उत्तम होती है। अधिक जल धारण क्षमता युक्त मृदा पादप के लिए अनुपयुक्त होती है। सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, ग्राउंडनट इज ग्रोन इन ए वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम और क्ले लोम सोइल। जिस मृदा में जल का निष्कासन अच्छा हो, सैंडी लोम हो, वो इसके लिए उपयुक्त होती है। सोइल पीएच ऑफ 6.5 to 7, सोइल की पीएच 6.5 से 7 के बीच में होनी चाहिए। सोइल टेम्परेचर अबव 21 डिग्री, सोइल का तापमान 21 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर 22 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। रेनफॉल इसके लिए उपयुक्त होता है। अब हम इसके कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट पे आते हैं। मूंगफली के खेतों के मूंगफली की खेती कैसे की जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भूमि को तैयार करते हैं। लैंड प्रिपरेशन, वन प्लगिंग टू द डेप्थ ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर फॉलोड बाय 2 or 3 हैरोइंग में बी रिक्वायर्ड टू मेक ए सीड बेड। स्पेसिंग 45 into 15 सेंटीमीटर वन प्लांट, सीडिंग डेप्थ कितनी है 2.5 to 3 सेंटीमीटर, प्लांटिंग मटेरियल सीड्स। मूंगफली खरीफ की फसल है, अतः मानसून से पहले हैरो या हल से खेत की 3-4 बार जुताई की जाती है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके। तत्पश्चात खेत को समतल करने हैं तो उस पर पाटा चलाया जाता है, खेत को साफ किया जाता है। मिट्टी में से दीमक को हटाने के लिए एल्ड्रिन का छिड़काव किया जाता है। खेत में उचित मात्रा में उर्वरक व खाद डाली जाती है। बुआई से पहले यदि वर्षा न हो तो एक बार सिंचाई की जाती है। खेत की जुताई हो गई, अब इसके बाद हम बुआई करेंगे, सोइंग करेंगे। सीड सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, बिफोर सोइंग सीड शुड बी केयरफुली प्रिपेयर्ड। बोने से पहले बीजों को केयरफुली हम तैयार करते हैं। ग्राउंडनट पॉट्स इंटेंडेड फॉर सोइंग शुड बी हैंड शेल्ड एंड सॉर्टेड इन ऑर्डर टू इलिमिनेट स्किन्ड इमेच्योर मोल्डी एंड स्मॉल सीड्स। हम इसकी हाथ से बुआई करते हैं और इसके अंदर जो उन बीजों को हम हटाते जाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, जो कि स्किन सीड हों, इमेच्योर हों, मोल्डी हों और छोटे छोटे बीज हों, उनको हम एलिमिनेट करते जाएंगे, उनको हम हटाते जाएंगे और जो अच्छे हेल्दी सीड्स हमें दिखते हैं, जो प्रॉपर साइज के होते हैं, अब देखने में हेल्दी होते हैं, उन्हीं को हम बोते हैं। सीड्स आर देन ट्रीटेड विद एन इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड मिक्सचर टू कंट्रोल सीडलिंग ब्लाइट केजेस बाई सोइल बैक्टीरिया एंड फंजाई। सीड्स को इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के मिक्सचर से ट्रीट करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया फंजाई अगर इसमें लगे उससे ये बचे रहें। द फंजीसाइड विल कंट्रोल सोइल पेस्ट दैट डैमेज सीडलिंग। सोइंग फिर प्लांटिंग डेट इज
lagged to rainfall distribution in the area and length of crop season. खेतों में बीज की बुआई से पहले उन्हें उपचारित किया जाता है, बीजों का छिलका हटाकर या एक बीजयुक्त फल पोट के सीधे ही हल द्वारा बनाई गई घेरी पंक्तियों में बोया जाता है। तत्पश्चात उन्हें वापस समतल कर दिया जाता है, घेरी पंक्तियों में इसको बो दिया, उसके बाद मिट्टी को वापस से फ्लेट कर देते हैं ताकि खेत में जो आर्द्रता व नमी बनी रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, बीजों के ऊपर से छिलका हटा लेंगे, उसके बाद एक बीजयुक्त फल को पोट को सीधे ही हल से बनाई गई घेरी पंक्तियों में बो देते हैं और उसकी जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, उसको फिर समतल कर देते हैं ताकि खेत में आर्द्रता या नमी बनी रहे। पंक्तियों के मध्य दूरी 6 से 10 इंच की रखी जाती है। कल्चरल प्रैक्टिस क्या है, वीट कंट्रोल 3 and 6 वीट्स आफ्टर प्लांटिंग वीट कंट्रोल इज नेसेसरी। 3 से 6 बार हम इस प्लांटिंग के बाद इसकी जो वीट्स होते हैं उनको हटाते हैं। अर्थनिंग अप इज डन 8-4 to 6 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग। थ्री एंड सिक्स वीक्स आफ्टर प्लांटिंग वीट कंट्रोल इज नेसेसरी। जैसे ही बीजों को बोया उसके 3 हफ्ते और 6 हफ्ते बाद इसके सीड्स को हटाते हैं। अर्थनिंग अप इज डन 4 to 6 वीक्स आफ्टर प्लांटिंग, देन द क्रॉप कैन बी इरीगेटेड 1 से 1 वीक। उसके बाद क्रॉप को हर हफ्ते सिंचाई करते हैं। नो इरीगेशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सीड फिलिंग एंड एट द पॉट मैच्योरिंग स्टेज। पॉट मैच्योरिंग स्टेज के समय इसकी सिंचाई नहीं की जाती है। मूंगफली की फसल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा उचित मात्रा में हो, अन्यथा सिंचाई की आवश्यकता नियमित अंतराल पर आवश्यक है। खेत में समय समय पर खरपतवार का निष्कासन किया जाता है, कम से कम 5 या 6 बार खरपतवार का निष्कासन टाइमली किया जाता है ताकि इसके प्रोडक्शन पर असर ना आए। अब इसके बाद हम इसकी कटाई पर आते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग पीरियड कैन बी डिसाइडेड बाई अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ वेराइटी। वेन द फोलियज टर्न टू येलो कलर, 75-80% पॉट ऑफ प्लांट आर मैच्योर्ड। वेन द इंटरनल सर्फेस ऑफ पॉट इज ब्राउन इन कलर, देन पुलिंग आउट द ट्री। हार्वेस्टिंग कटाई, सामान्य रूप से मूंगफली की फसल 120 से 130 दिन में परिपक्व हो जाती है। मूंगफली दानों के परिपक्व होने के पर 120 से 130 दिन यानी कि 4 महीने या 4.5 महीने में इसकी फसल परिपक्व हो जाती है। मूंगफली दानों के परिपक्व होने पर पादप की आधारित पत्तियां जितनी भी होती हैं, बेस में जो पत्तियां लगी होती हैं वो पीली पड़ती है। हम कैसे पहचानते हैं दानों के कि दाने परिपक्व हो गए, इसकी जो आधारी पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, शीघ्र ही पत्तियां झड़ने लगती हैं, फलियां जो होती हैं शुष्क हो जाती हैं, पोट जो होती है शुष्क हो जाती हैं। परिपक्व पादपों को हाथ से खींचकर उखाड़ लेते हैं, अपरूटेड कर लेते हैं। परिपक्व पादपों को कैसे करते हैं, हाथ से खींचकर उखाड़ लेते हैं, फिर फलियों को पादप से तोड़ लेते हैं। इसके बाद खेतों की खुदाई की जाती है ताकि भूमि के अंदर जो फलियां रह गई हैं उन्हें निकाला जा सके। मदा कणों को फलियों से पृथक कर सुखाकर फलियों को उचित स्थान पर संग्रहण किया जाता है। फलियों के उचित परिपक्वन पर उन्हें तोड़ना चाहिए, अन्यथा तेल की मात्रा फलियों में कम रहती है। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द वेराइटी, कितनी एज, 120 से 130 दिन का ध्यान रखते हैं अधिकतर।
व्हेन द फॉलेज टर्न टू येलो कलर, जब इसके फॉलेज जो है पीले रंग के हो जाते हैं। 75-80% पोड ऑफ प्लांट आर मेच्योर, जब इसमें 75-80% इसकी जो पोड्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। व्हेन द इंटरनल सरफेस ऑफ पोड इज ब्राउन इन कलर, पोड की इंटरनल सरफेस जो होती है वो ब्राउन हो जाती है, तब हम इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। देन पुलिंग आउट द ट्री, तब इन पेड़ों को खींचकर उखाड़ लेते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। वॉश पिक्ड पोड्स वेल एंड ड्राई द पोड इन शेड, जो भी पोड्स हमने पिक किए हैं उन सबको धोते हैं पहले पानी से, फिर इसके बाद इनको छाया में सुखा देते हैं। ड्राइंग इन शेड थ्रू आउट लॉन्ग पीरियड रिजल्ट सीड विद हाईली वायबिलिटी। बिफोर स्टोरिंग रिमूव द डिजीजेज एंड डैमेज पोड, जब इनको स्टोर करते हैं तो हमें डिजीजेज और डैमेज पोड होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट और इसके अलावा इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट और यूजेज ऑफ ग्राउंडनट के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।